शिवापुर गांव में रामू नाम का गरीब आदमी रहता था। पत्नी शारदा के मर जाने के कारण मजदूरी करके अपनी बेटी शालिनी की देखभाल कर रहा था। एक दिन मजदूरी के लिए जाते हुए बेटी शालिनी को सरकारी स्कूल में छोड़कर, बेटी अच्छी से पढ़ाई करना, स्कूल छूटते ही सीधे घर जाना, मैं अंधेरा होने से पहले आ जाऊंगा। ठीक है पापू, ऐसा कहकर स्कूल चली जाती है। रामू मजदूरी करने निकल जाता है। कक्षा में नई टीचर नीरजा आती है और सबसे अपना परिचय देने को कहती है। सब बच्चे एक एक करके अपना नाम और माँ बाप का नाम बताने लगते हैं। शालिनी भी खड़ी होकर, मेरा नाम शालिनी है टीचर, मेरी माँ का नाम सरोजा था, मेरे पैदा होते ही मर गई, मेरे पिता ही मेरे लिए सब कुछ है टीचर, वही मेरी सारी चीजों का ध्यान रखते हैं, वही मेरे माँ भाई दीदी सहेली, वही मेरे सब कुछ है टीचर, मेरे पापा मेरी बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं मैडम। बहुत अच्छा, बैठ जाओ। नीरजा टीचर पढ़ाने लगती है। आधे घंटे बाद खाने की छुट्टी होती है। पेड़ के नीचे बैठकर शालिनी चटनी और चावल खा रही है। तभी उसके बगल में मीना और चांदनी भी अपना लंच बॉक्स खोलकर बैठ जाती हैं। चांदनी, आज मेरी माँ ने मेरे लिए पुलाव और खीर बनाई है, बहुत अच्छी है, खाओ। मेरी माँ ने मेरे लिए आज टमाटर राइस बनाया है। दोनों इस तरह से बातें कर रही हैं। ये सब सुनकर शालिनी सोचती है, मेरी भी माँ होती तो कितना अच्छा होता। स्कूल से घर आकर पिता की राह देखती है। अंधेरा होने पर रामू घर आता है। पापा मुझे माँ चाहिए, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगी पापा। अभी मैं नई माँ कहाँ से लाऊं बेटी? पापा मुझे माँ चाहिए, तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, पानी नहीं पीऊंगी। इस तरह शालिनी जिद करने लगती है। रामू लाने का वादा करके सो जाता है। दो दिन बाद रामू सुजाता नाम की औरत को ब्याह करके ले आता है, जिसकी पल्लवी नाम की बेटी है। शालिनी बेटी, यहाँ देखो, तुम्हारे लिए माल आया हूँ मैं। ये सुनकर शालिनी दौड़ कर सुजाता से लिपट जाती है। सुजाता को ये पसंद नहीं आता, परंतु पति के वही होने के कारण कुछ नहीं कहती। रामू के काम पर जाते ही शालिनी को स्कूल ना भेजकर घर का काम करवाती है। अपनी बेटी पल्लवी को ही बस स्कूल भेजती है। ये देखकर शालिनी एक दिन कहने लगी, माँ मैं और पल्लवी एक ही उम्र के ना, मैं भी स्कूल जाऊंगी माँ, कहती है। इससे सुजाता गुस्से में आकर शालिनी को लकड़ी से बहुत मारती है, घर में बांध देती है और मिट्टी का तेल डालकर आग लगा देती है। शालिनी आग की लपटों को देखकर डर जाती है और अपनी माँ को याद करती है। माँ तुम कहाँ हो, तुम जिंदा होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता ना माँ। इस तरह माँ को याद करते ही दरवाजे के पास माँ भूत बनकर प्रकट होती है, आग बुझा देती है। सुजाता भूत को देखकर डर जाती है। भूत माँ सुजाता को बांधकर चारों तरफ आग लगा देती है। सुजाता से आग की गर्मी सहन नहीं होती। आग, बाप रे आग, मुझे बचाओ, फिर कभी शालिनी को परेशान नहीं करूंगी, आग। बहुत विनती करने पर भी भूत माँ नहीं मानती। लेकिन सुजाता की बेटी पल्लवी भूत के पास आकर कहती है, शालिनी दीदी की माँ नहीं है, मुझे भी बिन माँ की मत बनाओ, मैं वचन देती हूँ दीदी को मैं बहुत प्यार से रखूंगी, मेरा विश्वास करो। ऐसी विनती करने पर भूत का मन पिघल जाता है और आग से सुजाता को बचाती है। खबरदार, बच्ची को कुछ हुआ तो तुम जिंदा नहीं बचोगी। नहीं नहीं, बच्ची को ध्यान से पालूंगी, भूत को ऐसा वचन देती है। तब भूत माँ का मन शांत होता है और वो वहाँ से चली जाती है। तब से सुजाता दोनों की एक समान देखभाल करने लगती है। कोंडापुर गांव में गोपाल नाम का एक धनवान व्यक्ति रहता था। लड़का ना होने के कारण बेटी का विवाह अपनी संपत्ति की देखरेख करने के लिए भूषण नाम के व्यक्ति से करवाकर उसे घर जमाई बना लिया था। कुछ दिन के बाद उनको लड़की मीना पैदा हुई। भूषण का स्वभाव अच्छा ना होने के कारण गोपाल राव अपनी सारी जायदाद श्यामला और मीना के नाम लिखकर मर जाता है। तब से भूषण रोज जायदाद उसके नाम करने को कहकर पत्नी और बेटी को मारता है। एक दिन लाठी लेकर उनके पास आता है। जायदाद मेरे नाम कर दो, वरना आज मेरे हाथों माँ बेटी मारी जाओगी, सोच लो।
श्यामला मीना भूषण के हाथ में लाठी देखकर डर जाती हैं। मत मारो मत मारो, लाठी से मारोगे तो हम दोनों मर जाएंगे। मत मारो। फिर जायदाद मेरे नाम कर दो। मर जाऊं फिर भी ऐसा नहीं करूंगी। तेरे साथ तेरी बेटी को भी मार डालूंगा, ऐसा बताए देता हूँ। ऐसा कहकर मीना को लाठी से मारने लगता है। मीना रोते हुए कहती है, जायदाद के अपनी बेटी को मार दोगे क्या पापा? हाँ रे मार दूंगा, अभी मार दूंगा। वो और भी गुस्से से दोनों को ही मारने लगता है। दोनों मार खाकर बेहोश हो जाती हैं। वो कोरे कागज पर उन दोनों के अंगूठे के निशान लगवाकर उन दोनों को घर के पिछवाड़े में गड्ढा खोदकर गाड़ देता है। माँ बेटी ने जायदाद उसके नाम लिखती है। इस तरह नकली कागजात बनवाकर खुद जमींदार बन जाता है। एक दिन अपनी पसंद का खाना बनाकर खुशी से खाने बैठता है। तब श्यामला और मीना भूत बनकर वहां आ जाती हैं। उनको देखकर भूषण डर जाता है। अरे ये तेरे खाने की चीज नहीं है, ये तो आदमियों के खाने की चीज है, तू तो पैसे वाला है। धनवान को क्या खाना चाहिए ये मैं बताती हूँ पापा। ऐसा कहते ही टेबल पर रखी सब चीजें गायब हो जाती हैं और वहाँ एक प्लेट में भरकर सोने के सिक्के प्रकट हो जाते हैं। उन सबको भूषण बड़े असमंजस होकर देखता है। तुम्हारे जैसे पैसों के पीछे पागल आदमी को यही सब खाना चाहिए। पापा खाओ पापा खाओ, अब तुम्हें यही खाना पड़ेगा। नहीं खा पाओगे पापा तो हम दोनों माँ बेटी बहुत प्यार से खिलाएंगे तुम्हें। मैं नहीं खाऊंगा, कोई रुपए पैसे खाता है क्या? ये सुनकर बेटी भूत गायब हो जाती है और लाठी के साथ प्रकट होती है। रुपए खाओगे या डंडे खाओगे, हाँ कहोगे या नाना कहोगे? भूषण उसके ऐसे कहने से डर जाता है। बेटी भूत पिटाई करती रहती है। भूषण बेहोश होकर गिर जाता है। होश में आने पर इनका कुछ करना पड़ेगा, ऐसा सोचकर एक बड़े महात्मा के पास जाकर वो सारी बात उसे बताता है। महात्मा पूजा पाठ करके दोनों को प्लास्टिक की बोतल में बंद करके बोतलों को बहती नदी में फेंक देता है। बोतल में बंद भूत नदी में बहते हुए एक गांव मणिपुर गांव में पहुंच जाते हैं। वहां नदी के पास एक पत्थर पर वीरैया नाम का आदमी उदासी से बैठा है। वीरैया के पास भूत वाली बोतलें आती हैं। वो बोतलें पकड़कर देखता है, उसे अंदर कोई चमकती सी चीज दिखाई देती है। वो बोतल का ढक्कन खोलता है। दोनों भूत खुशी से बाहर आती हैं। बंधन से निकालने के लिए खूब खुशी हुई है बाबू। तुम्हारी खुशी से मुझे क्या, वैसे ही माली रूप से परेशान हूँ। अगर मेरी कुछ सहायता करना चाहती हो तो धन सोना ऐसा कुछ दे दो। वीरैया ने कहा। बिना कुछ कहे दोनों भूत गायब होकर थोड़ी ही देर में सोना और रुपए के साथ प्रकट होती है। उसको वीरैया को देखकर तुरंत गायब हो जाती है। भूषण के पास प्रकट होती है। भूषण फिर से बीवी और बच्चे को देखकर डर जाता है। भूत बनी माँ और बेटी भूषण की खूब पिटाई करके उसे जिस जगह गाड़ा था जीते जी वही बगल में गड्ढे में गाड़ देती है। इस तरह दोनों भूतों की आत्मा को शांति मिलती है और फिर वो हवा में गायब हो जाती है।